कल इस शहर में किसका आखिरी दिन होना चाहिए ललिता जी? बुनिया का गुड्डू जी, 4 दिन का कह के गई थी, आज 6 दिन हो गए। बताओ ये कोई तरीका है? इसलिए हमने उसे साफ साफ कह दिया कि कल का दिन उसका उस शहर में आखिरी दिन होना चाहिए, वरना ना ही आए तो अच्छा है। अरे भाई, इतना सख्ती दिखाने का क्या जरूरत है? जरूरत है गुड्डू जी, कभी कभी लोगों को उनकी हैसियत दिखाने के लिए सख्ती दिखानी पड़ती है, वरना सर चढ़कर नाचने लग जाते हैं। माँ, मुझे लगता है मुस्कान बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम इस वर्मा को पकड़ेंगे ना, तो देखना ये सारा सच उगल देगा। अच्छा, तो ये सब वर्मा जी से उन्होंने करवाया है। दीदी, हमें लगता है कि ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ है जब हमने वो गुड्डू मिश्रा का लाया हुआ रिश्ता रिजेक्ट किया। शायद तुम सही कह रही हो बुलबुल, उसके बाद ही अचानक से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला, और बिना किसी वजह के सिलाई सेंटर पे आग लगना, और उसके बाद उस आदमी का हमें कुश्ती प्रतियोगिता में हारने के लिए पैसे ऑफर करना। दी, हम कह रहे हैं ये सारी बातें ना जुड़ी हुई हैं। जो उनके साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। क्या सही नहीं हो रहा है, जरा हमें भी बताए, हमें भी जानना है। यार देखो, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, नॉर्मल बात है, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है ना, वो खुद से नहीं हो रहा है, कुछ और है उसके पीछे, या फिर कोई और, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़। हाँ नजमा, बोलो। दीदी, अच्छी खबर नहीं है। उस साहूकार ने पैसे देने से ही मना कर दिया। पर काहे? बस वो नहीं देना चाहता है। अच्छा, क्या हुआ माँ? कौन था फोन पर? नजमा, साहूकार ने पैसा देने से मना कर दिया है। हो गया सत्यानाश, अब का होगा हम सबका। पुलिस हमरे दरवाजे पे का कर रही है? ई कभी कर जाएगा? का है रंजू जी, कि हमको पता था कि हमरा पैसा देना आपका बूते का बात नहीं है, इसलिए इन्हें ले आए। अब अगर इज्जत प्यारी है तो सरापत से हमरा घर छोड़ के चली जाइए।